हेलो 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 गुड मॉर्निंग बाकेश मोहम्मद सलाह सचिन मायशा अंजू सिद्रा गुड मॉर्निंग शिवम आई एम ऑडिबल आई एम ऑडिबल स्टूडेंट्स हेलो अंशु गुड मॉर्निंग सिद्रा अगर आप रेस्पॉन्स करेंगे ओके मायशा मायशा ने बोला यस आई एम ऑडिबल तो बात करते हैं जैसे कि मैंने लास्ट वंस में आज हम लोगों को थर्ड पार्ट है इस सार्थक क्वेश्चन सीरीज का दैट इज थर्ड पार्ट मतलब थर्ड वीडियो थर्ड क्लास है ऑन दिस क्वेश्चन सीरीज और आज हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज में रूट की स्टेम की लीफ की एज वेल एज इनफ्लोरेंसेस की। अब जैसे जैसे आप लोग तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोगों के टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं तो हम लोगों की जो कैलेंची की जो स्ट्रेंथ है क्वेश्चंस की जो कैलेंची स्ट्रेंथ है वो डे बाय डे चेंज होगी और आप लोगों को भी क्वेश्चंस प्रॉपर वे में हैंडल करने की आदत बन जाएगी। अगर आप इस पर्टिकुलर सार्थक टेस्ट सीरीज के थ्रू या क्वेश्चन सीरीज के थ्रू आप अपने आप इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि आपका जो बायो का लेवल है वो बायो का लेवल अच्छा हो गया। बायो का लेवल इतना बेटर हो गया कि आपके जहाँ पे 70% मार्क्स थे वो अब 80% 85-90% तक पहुंच रहे होंगे और जब तक ये टेस्ट ये क्वेश्चन सीरीज चलेगी तो मुझे लगता है कि आप लोगों के क्वेश्चंस कोई शायद क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके एग्जाम से छूटे क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी कर रहे हो प्लस घर पे जाके रिवाइज भी कर रहे हो विद हेल्प ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर मार्क्स इन बायोलॉजी। इसलिए मेरा टाइटल है कि आपकी बार बायो पार आपकी बार बायो पार का मतलब है आपकी बार तो बायो में मुझे 350 मार्क्स लेके ही आने हैं आपकी बार मेरा बायो में 125 मार्क्स लेके ही आने हैं जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए क्योंकि बायोलॉजी ऑलवेज गिव्स रिजल्ट इन योर सक्सेस। तो बात करते हैं इसी में आगे जो आज का पर्टिकुलर यहाँ पे क्वेश्चन है पहला वो है रूट इज एडवेंटिशियस व्हेन इट इज कोई ऐसा यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ऐसा कौन सा बेसिकली ये रूट जो एडवेंटिशियस है बेसिकली वो जो एडवेंटिशियस रूट है वो कब होगी द रूट इट इज ए रूट इज एडवेंटिशियस व्हेन इट इज स्वेल करेगी तब होगी ग्रोइंग इन द मार्सी प्लेसेस तब होगी एंड फॉर्म बाय फ्रॉम फ्रॉम प्लू तब होगी या मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज तब होगी। यस फर्स्ट ओके तो यहां पे हम लोग यहां बात कर रहे हैं हेलो अंशु ने आंसर दिया आई एम ऑडिबल गुड मॉर्निंग शिवम महेश ने आंसर दिया सी सृजन सी शिवम सी सिद्रा परवीन ने सी बालकेश मौर्य सी
अंशु सिंह ने दिया थर्ड आंसर एग्जैक्टली, और शिवम ने भी बोला। यहाँ पे हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर एडमिटिक्चर रूट तब होगी, ये एडमिटिक्चर रूट तब होगी जब उसका फॉर्मेशन प्लूवियल से हो जाए, क्योंकि स्वेल कर जाए। एक एक ऑप्शन को अगर हम लोग देखें तो स्वेल तो हमारी टैप रूट भी करती है, स्वेल तो टैप रूट भी करती है, लेकिन टैप रूट के और एडमिटिक्चर दोनों स्वेल करेंगी। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल में भी हेल्प करती है, मॉडिफाइड फॉरेस्ट स्टोरेज, ये भी सही है। इन ग्रोइंग इन द मार्सी प्लेसेस, मार्सी प्लेसेस में जो रूट ग्रो करती हैं वो ज्यादातर टैप रूट्स होती हैं, उनके मॉडिफिकेशन होते हैं लाइक नेमेटोफोर्स। तो यहां पे वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज फॉर्म फ्रॉम प्लूमुल। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो गया फॉर्म फ्रॉम प्लूमुल, मतलब अदर देन रेडिकल से जो रूट डेवलप करती है उसको क्या बोलते हैं, अदर देन रेडिकल से जो रूट डेवलप करती है उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द रूट नोडिंग आर नॉट फॉर्म इन नॉन लेग्युमिनस प्लांट बिकॉज दे ग्रो इन, रूट नोडिंग उन पर्टिकुलर नॉन लेग्युमिनस प्लांट के अंदर नहीं बनते जो बेसिकली जिनके अंदर क्या, बिकॉज दे आर ग्रोइंग इन, क्यों वो कहाँ ग्रो करेंगे, जिनकी वजह से वहां पे रूट नोडिंग का फॉर्मेशन नॉन लेग्युमिनस प्लांट के अंदर नहीं होता। ऐसे कौन से प्लांट है जो नॉन लेग्युमिनस है, पहले ये दिमाग में होना चाहिए नॉन लेग्युमिनस प्लांट कौन कौन से, और उनके अंदर रूट नोडिल नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, बिकॉज दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, सॉइल हैविंग बैक्टीरिया फॉर कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, सॉइल रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑल दैट। फर्स्ट शिवम ने आंसर दिया बी, महेश ने आंसर दिया बी, अंशु ने बोला टू, शिवम टू, सृजा सृजन श्रीवास्तव टू, बाकेश मौर्य टू। आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट। ये जो पर्टिकुलर रूट नोडिंग होते हैं, रूट नोडिंग वहां बनते हैं जहां पे लेग्युमिनस प्लांट होते हैं, जहां लेग्युमिनस प्लांट होंगे, और जहां लेग्युमिनस प्लांट होंगे वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम, जो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये तो नॉन लेग्युमिनस प्लांट है, ये कैसे प्लांट है, नॉन लेग्युमिनस प्लांट है, और ये अगर नॉन लेग्युमिनस प्लांट है तो इस नॉन लेग्युमिनस प्लांट की इंपॉर्टेंस ये कि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, इसलिए यहाँ पे रूट नोड्यूल नहीं बनते। सॉइल हैविंग ए बैक्टीरिया, बिकॉज़ द सॉइल हैविंग ए बैक्टीरिया फॉर कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। यस टेल मी, बिकॉज़ दे आर ग्रो इन सॉइल, दे हैविंग ए बैक्टीरिया फॉर कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, नहीं बच्चा यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, रूट नोड्यूल तो तब बनेंगे जब ना वो राइजोबियम बैक्टीरिया उस लेग्युमिनस प्लांट के अंदर एंटर करेगा। ये तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं, और नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन को गौर से देखें तो सॉइल रिच इन नाइट्रोजन, अगर वो सॉइल रिच होगी ऑलरेडी नाइट्रोजन से तो हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, ये तो हो नहीं सकता। ऑल द अबव, ये चारों करेक्ट नहीं है। बच्चा क्या सॉइल हैविंग, क्योंकि बिकॉज दे ग्रो इन, ये उस सॉइल में ग्रो करेंगे जहां बैक्टीरिया फॉर कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, नहीं बिकॉज दे आर ग्रोइंग नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। ये वो पर्टिकुलर प्लांट है जहां पे रूट नोडिल नहीं बनेंगे, नॉन लेग्युमिनस प्लांट है जहां पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वहां ये रूट नोडिल का फॉर्मेशन नहीं होता। इट्स क्लियर सिद्धा परवीन? नहीं बच्चा, पहले अच्छा ओके, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया। मैंने पहले बोला कि ये जो रूट नोड्यूल है व्हिच आर नॉट फॉर्म इन नॉन लेग्युमिनस प्लांट बिकॉज़ दे ग्रो इन, बिकॉज़ दे ग्रो इन द सॉइल हैविंग बैक्टीरिया। सब लोगों ने बी लिखा है तो बी को एक बार फिर चेक करते हैं, बिकॉज़ दे ग्रो इन द सॉइल व्हिच हैविंग ए बैक्टीरिया फॉर कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। नहीं बच्चा, यहां पे बैक्टीरिया होते ही नहीं है, यहाँ पे जो नॉन लेग्युमिनस प्लांट है उन नॉन लेग्युमिनस प्लांट को बेसिकली वहां बैक्टीरिया मिलता ही नहीं है जो उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ये तो लेग्युमिनस प्लांट में मिलते हैं राइजोबियम फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो आगे बात करें। यस अंशु, शिवम, गोपिल, बाकेश और बाकी सब लोग सो रहे हैं, है ना? अभी 9 बज गया, 9:15 हो रहा है, और आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स कुछ सो रहे हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड।
एनीबडी? ओके पालकेश, करेक्ट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको याद रखना है मैंने बोला था जो जीनियस क्वेश्चन होगा, जो आपको जीनियस बनाएगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, उन क्वेश्चन पे आपकी सारी दिमागी घंटियां मिल जाती है ना, तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ कोई जीनियस आने वाला नहीं है, इसके नेक्स्ट स्लॉट में क्वेश्चन आएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज्ड आर ग्रीन मैन्योर, आर यूज्ड एज ए ग्रीन मैन्योर इन क्रॉप फील्ड एंड सैंडी सॉइल। क्रॉप फील्ड के अंदर जब आप किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कराते हो, सैंडी सॉइल में ग्रो कराते हो, तो इनमें से ऐसा कौन से प्लांट है जो बेसिकली ग्रीन मैन्योर, जो खाद होती है, उस खाद की तरह यहाँ पे यूज हो सकते हैं? यस, फटाफट। यस भूपेल, सृजन, बालकेश, शिवम, मायशा, यहाँ पे ऐसा कौन सा प्लांट है जैसे क्रोटोलेरिया जेंसिया एंड अलगई कैमिलियोरम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एंड फिलेंथ्रम न्यूरी एंड सैक्रम मुंजा एंड द लेंटाना कैमेरा, ये नहीं हो सकता। डायकैंथियम एनुलेटम एंड एजोला निलोटिका, ऐसा कौन सा प्लांट है बेसिकली जो हमारा ग्रीन मैन्योर, जैसे हम खाद डालते हैं ना, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ऐसे अगर हम प्लांट को वहां पे काट के डाल दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विच आर यूज एज ए ग्रीन मैन्योर, ग्रीन मैन्योर की जगह जिसे हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, विच इज ए क्रोटोलेरिया जेंसिया, ये नॉर्मली हम लोग प्लांट यूज करते हैं एज ग्रीन मैन्योर। अगर हम लोग एक और छोटा सा यहाँ से हटके बात करें तो एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एजोला, जिसको बोलते हैं एजोला, एजोला आर यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर क्योंकि वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, तो एजोला भी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। आए हम लोग आगे ग्रेफाइट्स में, तो हम लोग वहां बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स में बात करेंगे, इन पर्टिकुलर टर्म्स के रेफरेंस में, इन प्लांट के रेफरेंस में। एक और इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसको आप लोग जानते हो, जिसको बोलते हैं ब्लूग्रीन एल्गी। इस ब्लूग्रीन एल्गी के अंदर ऐसे कौन से प्लांट है जिनको पैडी फील्ड की ग्रोथ में, पैडी फील्ड का फोटोसिंथेटिक यील्ड को बढ़ाने में यूज करते हैं, पैडी फील्ड में जो फोटोसिंथेटिक रेट होगा उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, उससे मतलब उससे हेल्प मिलती है। क्वेश्चन के फॉर्म में देखें तो इन विच फॉलोइंग प्लांट ऑफ द बीजीए मेंबर व्हिच आर हेल्प टू इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक यील्ड, कौन से प्लांट है बीजीए में? फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से इसका आंसर दीजिए अगर आता है तो, नहीं आता नो लिख के सेंड कर दीजिए। यस टेल मी, अगर आपको इसके आंसर पता है तो प्लीज इसका आंसर दीजिए, अदरवाइज इस पे नो लिख के भेजिए। एजोला बायो फर्टिलाइजर होता है वो, ठीक है। मैंने पूछा कि ऐसे कौन से बीजीए मेंबर्स हैं जो यहाँ पे हमारे यूज होते हैं एज फोटोसिंथेटिक यील्ड को इंक्रीज करने में, राइस या पैडी फील्ड के अंदर। ओके नो आइडिया। एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑलोसेरा, इसको बोलते हैं ऑलोसेरा, और दूसरा प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं नोस्टॉक। ऑलोसेरा एंड नोस्टॉक बोथ दीज आर यूज, नोस्टॉक पंक्ति फॉर्म में, एनामिनस साइक्लिक और भी कई सारे प्लांट हैं, इन दोनों को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी फील्ड, टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट ऑफ द। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ये क्वेश्चन नंबर फोर है, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया इज मॉडिफाइड, ये जो बोगेनविलिया का थॉर्न है ये किसका मॉडिफिकेशन है बेसिकली, ये थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया किसका मॉडिफिकेशन है एग्जैक्टली? आई वांट टू नो अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर। यस शिवम ने बोला ए, एग्जैक्टली इट्स आंसर इज ए, स्टेम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है ये हमारा, स्टेम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है ये हमारा जिसको बोलते हैं थॉर्न इज बोगनविलिया, थॉर्न ऑफ बोगनविलिया इज मॉडिफाइड। फ्लोरल बड मॉडिफाई नहीं करती थॉर्न में, लीफ कहीं कहीं थॉर्न में मॉडिफाई कर सकती है लेकिन रूट भी थॉर्न में मॉडिफाई नहीं करती, तो बचा है एग्जांपल थॉर्न ऑफ बोगनविलिया। एनसीईआरटी में लाइन लिखा है एग्जांपल का, दीस थॉर्न आर द पॉइंटेड स्टेट स्ट्रक्चर, इट इज एंडोजिनस इन ओरिजिन एंड फाउंड इन बोगनविलिया। ओके, कुछ लोगों का कहना ये था कि सर एनसीईआरटी को मतलब बहुत ज्यादा वर्ड बाय वर्ड उसको नहीं डिस्कस कर रहे,
हम लोगों का टारगेट है कि एनसीईआरटी को एक अलग से, जैसे मेरा एक मॉर्फोलॉजी चैप्टर कंप्लीट होगा देन आई विल टेक द एनसीईआरटी बुक, यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी डिस्प्ले करूंगा एंड वन बाय वन वर्ड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे एनसीईआरटी पे किस पर्टिकुलर लाइन से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको भी कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा टू रीड और टू लर्न अबाउट फ्रॉम द एनसीईआरटी। सो डू नॉट वरी, आप चिंता ना करें। लेकिन जो बच्चे शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं, जिनको लगता है सर बहुत ज्यादा हो गया, डिटेल में हो रहा है, टाइम बहुत, तो जी, वो लोग शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। शॉर्टकट सक्सेस में यूज नहीं हो सकता, शॉर्टकट मेथड सक्सेस के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए एनसीईआरटी आप बिल्कुल वरी ना होइए, एनसीईआरटी को मैं डेफिनेटली लूंगा और उसको चैप्टर वाइज कंप्लीट करता जाऊंगा साथ में ही। तो आने वाले टाइम में जैसी मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होगी, आई विल कंप्लीट योर मॉर्फोलॉजी एंड रिवाइज द मॉर्फोलॉजी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिक्स। यहाँ लिखा है मैंने एक और स्टाइल मैंने सोचा चेंज करने का, वो ये जीनियस क्वेश्चन जैसे बोलते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दीजिए जीनियस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो आपको जीनियस बनाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ध्यान से पढ़िएगा, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन चार स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इन विच फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, यहाँ प्रॉपर लिखा नहीं है। तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये जो चार स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। और यहाँ पे फिर थोड़े से ऑप्शन में चेंजेस करने होंगे, यहाँ पे होगा ऑप्शन ए एंड डी, यहाँ पे ऑप्शन होगा ए बी एंड डी, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी एंड डी, और यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी सी एंड डी। यस टेल मी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो मैं दोबारा बोलूंगी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखे ए बी सी डी, इनमें से कौन सा करेक्ट है, और ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो गए, 1 4 नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा ए बी सी डी। तो टैपू डायराइजेस फ्रॉम द रेडिकल, ये सही है। द आईपीसी हैज बट ऑन इट्स रूट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। आईपीसी का मतलब है आइपोमिया बटाटा प्लांट, जिसको बोलते हैं शुगर करेंसी बीट, जिसको बोलते हैं शुगर पोटेटो, तो उसको भी बेसिकली उनके ऊपर क्या होती है, बड्स होती हैं, और उन बड के हेल्प से वो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करता है। नेक्स्ट है जिसके बारे में बात करें, ब्रायफ्लम हैज फाइब्रस रूट, ब्रायफ्लम के पास फाइब्रस रूट नहीं होती, उनके पास फोलियर रूट्स होती हैं, दिस इज वन द रॉन्ग। एंड द विलामिन इज टिपिकल टू द एपीफाइट, एग्जैक्टली, दिस इज फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द एपीफिटिक प्लांट ऑफ द ऑर्किड्स, ऑर्किड के अंदर हैंगिंग रूट्स होती हैं, जिनको हम लोग एपीफिटिक प्लांट बोलते हैं, उनके अंदर विलामिन टिश्यू होता है जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, कहां से, एटमॉस्फेयर से। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 4, जिसका आंसर है सिद्रा परवीन ने दिया 2 5 का डी, 5 का डी, गोपेल इज रॉन्ग, एंड देन इज द माइशा 5 का बी, एग्जैक्टली आकाश, हेलो बेटा, शिवम ने आंसर दिया 5 का ए, वो भी नहीं है। तो शिवम, सृजन, ये सब लोगों की बैंड बज गई, ये जीनियस नहीं, बैंड बजी ना। तो क्वेश्चन का लेवल अभी तक आपने 4 नंबर क्वेश्चन देखा, बिल्कुल हलवा था, आपने बोला स्टेम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, शिवम सिंह ने बोला स्टेम मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, एकदम सही बात है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन में धड़ाम है ना, दूसरा क्वेश्चन आती क्या हो गया, पूरी की पूरी जो आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपका मेंटल लेवल था, वो क्रैक कर गया ड्यू टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का जो लेवल है वो इसी तरीके से चेंज होता है एग्जाम के अंदर भी। और ये क्वेश्चन जिसको जीनियस बनाता है, उसका फर्स्ट आंसर, फर्स्ट टाइम जिसने आंसर दिया, उसका नाम है मायशा एंड सिद्रा परवीन। यस, बालकेश ने भी सही आंसर दिया 1 2 एंड 4। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मेरा क्वेश्चन यहाँ डिस्प्ले है, आपका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चे ने अगर आंसर दे दिया तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उसी को फॉलो करते हैं। मोहम्मद सलाह, यू आर प्रेजेंट इन हियर, बेटा आपका आज रेस्पॉन्स थोड़ा सा कम है ही नहीं, तो उसको इम्प्रूव करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो जीनियस कौन है आज, मायशा एंड सिद्रा। ओके, नेक्स्ट वन, अभी आपको और कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिससे आप अपनी जीनियसिटी को प्रूव कर सकते हैं कि आई एम जीनियस। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस व्हिच फॉर्म द फाइकस, which found in ficus, where the female flower are present at bottom and the male flower near the ostiole, and the enclosed within
कप शेप्ड फ्लैशी थैलमस और कप शेप्ड रिसेप्टिकल और कप शेप्ड इनफ्लोरेसेंस एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज, कौन सा इनफ्लोरेसेंस यहां बनेगा जिसके अंदर इनफ्लोरेसेंस जो फाइकस के अंदर प्रेजेंट होता है, जहां पे मेन फ्लावर प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियोल के पास और बॉटम में प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर, इनमें से कौन सा एग्जांपल है? यस आंसर दिया माइशा ने डी, उसके बाद सृजन ने डी, गोपिल डी, शिवम डी, बागेश मौर्य डी, एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। अगर आपको याद हो हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस में तो मैंने आपको वहां बताया था कि ये जो हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस है यहाँ पे ये इनफ्लोरेसेंस एक्सिस जिसको आप फ्लैशी थैलमस बोल सकते हैं, रिसेप्टिकल्स बोल सकते हैं, दिस इज ए हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने ये डिस्कस की थी कि यहाँ पे जो था यहाँ मेल फ्लावर इस पर्टिकुलर ओपनिंग एंड के पास प्रेजेंट होते हैं, ये है आपके मेल फ्लावर और ये है ऑस्टियोल दैट इज ओपनिंग एंड, और यहाँ प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर, ये प्रेजेंट है फीमेल फ्लावर। तो ये जो प्रेजेंट फीमेल फ्लावर्स हैं, इन फीमेल फ्लावर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर उनके बीच बीच में गॉल फ्लावर भी प्रेजेंट थे। और एक और यहाँ पे ये तो हो गया हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस की कहानी, ये तो हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस की कहानी होगी। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बने तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा इन हाइपेंथोडियम इनफ्लोरेसेंस विच इंसेक्ट आर हेल्प इन सिम्बायोटिक या विच इंसेक्ट आर हेल्प इन पॉलिनेशन, Which insect are help in pollination? उस insect का नाम बता सकते हैं क्या आप? Anybody can explain? It's the name of the insect which helps the obligate symbiotic association. ऐसे insect का नाम बताइए जो इस particular ficus family के जो plant है, जिसको बोलते हैं ficus religiosa, ficus bengalensis, ficus carica, इन सारे plant के साथ वो क्या करता है? सिम्बियोटिक ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। अगर वो इंसेक्ट खत्म हो जाए तो इन प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा, अगर वो इंसेक्ट खत्म हो जाए तो इस प्लांट के अंदर पॉलिनेशन नहीं होगा, इसकी ग्रोथ नहीं होगी, ये एक से दो मतलब कहते पॉलिनेशन नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। बात क्लियर है? आप में से किसी ने एग्जाम्पल दिया, गोपिल ने एग्जाम्पल दिया ब्लास्टोफेगा ग्लोसेरम शिवम वैक्स, सही बात है, लेकिन वो वैक्स कौन सी है? फीमेल वैक्स। और रिलेशन क्या था? ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट सॉरी ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशन। यहां तक बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 तक एनी डाउट सो प्लीज यू कैन आस्क। एनीबडी इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क अप टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को आप जिस दिन क्वेश्चन का फॉर्मेट, जिस दिन क्वेश्चन के बनाने की टेंडेंसी आ गई कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन बनेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? आप वहां पे आपका लेवल क्वेश्चन का बेटर हो जाएगा और आपके दिमाग की घंटियां बजने लगे। ओके तो बात करते हैं, फाइकस रिलीजियोसा का मतलब होता है बेटा पीपल का पेड़, फाइकस बेंगलेंसिस का मतलब है बैनियन ट्री, और फाइकस कैरिका का मतलब है अंजीर। ओके आज मुझे कुछ डार्क फील हो रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट बड़ी क्लोज हो गई है, इस वजह से डार्कनेस कुछ है ना, तो प्लीज गिव द रेस्पॉन्स की वीडियो की जो क्वालिटीज है वो कुछ पहले से बेटर है, लास्ट क्लास से या थोड़ा सा डार्क है। यस यस प्लीज इन्फॉर्म मी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली कंपोजिटी सनफ्लावर की, जो सनफ्लावर है कंपोजिटी फैमिली का जो प्लांट है जिसका नाम है सनफ्लावर, तो कंपोजिटी फैमिली में सनफ्लावर फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ्लोरेसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा है? यस डार्क है, मुझे भी लगा क्योंकि आज की जो सेटिंग है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है लाइट की वजह से, तो देखते हैं क्या हो सकता है, अगर कुछ लोग आवाज सुन रहे होंगे तो मे बी सही हो जाएगा और नहीं तो फिर देखते हैं कुछ। अच्छा एक चीज और मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है। यस एग्जैक्टली सिद्रा परवीन गोपिल सोनी बालकेश मौर्य सर्जन ऑल दीज आर द करेक्ट व्हिच इज अ कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस में अगर आपको याद होगा मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द फैमिली कंपोजिटी की बात की थी और लास्ट टाइम पे आपको बोला था एस्ट्रेसी, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके नाम आपको एवरेज याद रखने हैं, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनके नाम एग्जैक्टली आपको याद रखने, बिल्कुल उसको इधर से उधर कुछ नहीं करना, बस एक वर्ड जैसे मैंने बोला एस्ट्रेसी एंड कंपोजिटी फैमिली हैविंग ए कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस। यहां पे इस कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग हेड इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं और इसको हम लोग एंथोडियम इनफ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोडियम इनफ्लोरेसेंस।
ये एंथोडियम इनफ्लोरेसेंस भी इसको बोलते हैं, और ये आपको पता है ये मोस्ट एडवांस फैमिली है जिसका नाम है एस्ट्रेजी, जिसका नाम है कंपोजिटी। कंपोजिटी ओल्ड नेम है बेसिकली, इसका न्यू नेम है, इस फैमिली का न्यू नेम है एस्ट्रेजी। फैमिली वाइज दैट इज कॉल्ड एन एस्ट्रेजी फैमिली। द फ्लोरेट, फ्लोरेट का मतलब आपको पता है कि जो स्मॉल साइज ऑफ फ्लावर होते हैं उनको फ्लोरेट बोलते हैं, और ज्यादातर जो फ्लोरेट है वो स्मॉल साइज होते हैं। तो कोई बंदा है ऐसा अभी जो बैठा हो क्लास में, सो गिव द रेस्पॉन्स कि यहाँ पे फ्लोरेट का जो मतलब है सेसाइल फ्लावर, इसका मतलब क्या है, सेसाइल फ्लावर का मतलब क्या है, सेसाइल फ्लावर का मतलब क्या है। गोपेल लिसन अबाउट दिस क्वेश्चन, सिद्धरा परवीन इमोबाइल, व्हाट इज इमोबाइल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इमोबाइल, यहाँ मैंने लिखा है नॉट इमोबाइल बेटा, यहाँ सेसाइल का मतलब होता है विदाउट पेडिसिल, मतलब दोस फ्लावर जिसके अंदर पेडिसिल नहीं होगा उसको बोलेंगे सेसाइल, दैट इज कॉल्ड विदाउट पेडिसिल, दैट इज कॉल्ड विदाउट पेडिसिल। तो जो विदाउट पेडिसिल फ्लावर होते हैं उनको बोलते हैं सेसाइल, और ये छोटे साइज में होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं फ्लोरेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है इस पर्टिकुलर फ्लावर में कैपिटल सनफ्लावर के अंदर ये फ्लावर या फ्लोरेट अरेंज कैसे होते हैं। अगर बात करें अरेंज की तो इसका आंसर होगा एक्रोपीटर, क्योंकि लास्ट में ये क्वेश्चन आया था। दूसरी चीज कि ये जो कैपिटल इनफ्लोरेसेंस है किस टाइप का इनफ्लोरेसेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस, ये रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस है। क्यों, क्योंकि इस रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैटेंड हो जाती है तो बनता है कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस। ओके, कैपिटलम इन्फ्लोरेसेंस एग्जैक्टली। गोपिल यहाँ मिलता है विदाउट पेडिसिल, सिद्रा यस एग्जैक्टली विदाउट पेडिसिल। मोहम्मद सलाह आपका आंसर नहीं आ रहा है बच्चा, आज इनएक्टिव लग रहे हो, आप हेल्दी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इस रीजन में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नॉट ट्रू फ्लावर नहीं बेटा, इसका मतलब नॉट ट्रू फ्लावर नहीं, फ्लोरेट इज ऑल्सो एक ट्रू फ्लावर, जो फ्लोरेट है विच इज ऑल्सो एक ट्रू फ्लावर, मेरी बात समझ रहे, जो फ्लोरेट है वो ट्रू फ्लावर है। ओके हेलो, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो इसका आंसर है एक्रोपिटली अरेंज्ड, फ्लावर आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर। अगर वो पूछता कि द फ्लोरेट इन कैपिटलम ऑफ सनफ्लावर आर ओपनिंग या आर ओपन्स इन और प्रेजेंट इन आर अराइजेस इन, तब होगा सेंट्रीपिटल मैनर। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस याद रहेंगे आपको, याद रखना पड़ेगा कि फ्लावर इज ऑलवेज अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर, मतलब फ्लावर ओल्ड नीचे न्यू ऊपर, मतलब बाहर की तरफ यहाँ पे, क्योंकि फ्लैटन इनफ्लोरेसेंस एक्सिस है, तो यहाँ पे फ्लैटन इनफ्लोरेसेंस एक्सिस का मतलब हो गया कुछ ऐसे, ये फ्लैटन इनफ्लोरेसेंस एक्सिस होते हैं, यहाँ बाहर क्या होंगे बड़े वाले फ्लावर, छोटे वाले फ्लावर, मतलब नए अंदर और बाहर बड़े, इसे बोलते हैं कैपिटलम इनफ्लोरेसेंस, और इसको बोलते हैं एक्रोपिटली मैनर में ये अरेंज्ड होंगे। नेक्स्ट आपको याद होगा अभी क्वेश्चन नंबर 5th पे स्टार था, और यहाँ भी स्टार है, क्वेश्चन नंबर 9th पे स्टार बना है, इसका मतलब ये जीनियस, आप अपने जीनियसिटी को प्रूफ करिए फटाफट कि आप जीनियस हैं या नहीं। तो कंसीडर द फॉलोइंग रीजन इन रूट्स, ये कुछ रूट्स के रीजन बने हैं, रूट कैप, जोन ऑफ सेल एलॉन्गेशन, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसको करेक्ट सीक्वेंस में आपको लिखना है, करेक्ट सीक्वेंस में इनके आंसर देने हैं फ्रॉम द टिप ऑफ अपवर्ड, मतलब ये अगर रूट का है तो इस रूट टिप से ऊपर की तरफ आपको जाना है कि कौन कौन से रीजन यहाँ प्रेजेंट होंगे। फास्ट फास्ट फास्ट, और केवल पहला बंदा जिसने इसका आंसर देगा वही जीनियस होगा, उसके बाद बाकी सब स्मार्ट होंगे, बुद्धिमान होंगे। यस, शिवम सिंह ने आंसर दिया पहला, शिवम सिंह ने आंसर दिया है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ गोपियल की, व्हाट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन द एक्रोपिटल एंड सेंट्रीपिटल फ्लावरिंग के रेफरेंस में, ठीक है, सब में सबसे पहले आंसर दिया है डी, डी का मतलब हो गया एडीबीबी, एडीबीसी। इसके बाद सभी लोगों ने पाकेश मौर्या, चित्रा, गुपिल सोनी ने दिया है एसीबीडी, गुपिल सोनी का आंसर है सी, मतलब थर्ड आंसर। अब बात करते हैं इसकी, आप खुद देख लीजिए, चेक करिए, अंशु आज बेटा बहुत पीछे हो है? और आज प्रमिला भी अवेलेबल नहीं है क्लास के अंदर, प्रमिला राणा में भी उसकी हेल्थ नहीं अच्छी है,
36 रीजन से, और आज थोड़ा सा वीडियो मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा, थोड़ा सा डार्कनेस है वीडियो में, है ना। तो देखते हैं, चलिए है। तो बात यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी है कि करेक्ट सीक्वेंस रूट कैप। दूसरा एक वो रीजन है जहाँ क्वेश्चन सेंटर होता है, कभी कभी जब जोन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, जब जोन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से डैमेज हो जाए, जोन ऑफ सेल डिवीजन जिसे बोलते हैं, ये है जोन ऑफ सेल डिवीजन, ये पहले है ए, फिर जोन सेल डिवीजन सी, एंड नेक्स्ट वन जब ये जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। जोन ऑफ सेल एलोंगेशन का मतलब जहां वैक्यूल कैसे हो जाए, इलांगेटेड, वैक्यूल कैसे हो जाए, इलांगेटेड, दैट इज ए बी, एंड द नेक्स्ट वन वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट हेयर इज प्रेजेंट, दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन, सो दैट इज ए डी, ऑप्शन हो जाएगा ए सी बी डी। किसका आंसर सही है? जीनियस, हु इज द गुपिल सोनी इज द जीनियस, एग्जैक्टली, सिद्रा परवीन ए डी बी सी नहीं होगा, चेक कर लीजिए। ओके, तो इफ यू एनी डाउट्स यू कैन आस्क, द आंसर वन इज थ्री, थर्ड वन इज गुड आंसर इन द गुड, कीप इट अप। सिद्रा आपने इससे पहले का आंसर दिया था, गुड, गोपिल ने इस बार आंसर दिया, ही इज जीनियस, लेकिन आप सब जीनियस हो, बस प्रिपरेशन यहाँ ब्रेन से नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया केयरफुली। अगर आपने क्वेश्चन किया होता तो सबको पता है इसका आंसर, लेकिन आपने किया नहीं, जैसे मैंने सॉल्व किया, आपको ऐसे कुछ सॉल्व करना था एग्जाम में, फटाफट, टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन को, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है, चार लाइन का क्वेश्चन है, और ये कैसा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन, डिफरेंस देखिए, ये क्वेश्चन है चार लाइन का, ये क्वेश्चन है एक लाइन का, इसका आंसर विद इन वन वर्ड, रटा है तो याद, नहीं है तो खत्म। लेकिन इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, जो आपके पास आपने सबने बोल दिया नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो बोलने वाला था कि आपके पास है, आपने ही बोला नहीं है, तो क्या करें उसमें, जब कॉमन सेंस नहीं है तो इसका आंसर भी आपका करेक्ट नहीं हुआ। ओके अंशु बेटा, गलत है आंसर, चेक कर लो, और इस क्वेश्चन तक का कैसे है, एनी डाउट तो प्लीज यू फ्लावर की ओपनिंग कैसे है, मतलब पुराने वाले कहां और नए वाले कहां, तो फ्लावर की ओपनिंग के रेफरेंस में अगर आप बात देखें, तो जो नए फ्लावर होते हैं उनकी ओपनिंग बाद में होती है, बड के फॉर्म होते हैं, विल बी ओपन, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस की यहां बात हो रही है, तो एक्रोपिटल मैनर में अरेंज होंगे, ओपनिंग उनकी सेंट्रीपेटल होगी, क्योंकि पुराने से नए की तरफ चलते हैं, तो पुराना कहां है, बाहर, नए कहां है, अंदर, तो पुराने से नए की तरफ चलेंगे तो ये सेंट्रीपेटल हो गया ना। ओके यस बालकेश, रूट क्या है, मेरिस्मेटिक जोन ऑफ सेल एलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैच्योरेशन, सही तो है बेटा, लेकिन आपने आंसर गलत दिया था, आई थिंक आपने इसका आंसर गलत दिया था। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी फॉर जस्ट वेट, क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है वो बेसिकली यहाँ पे डिस्चार्ज हो गया है, मैं इसको एक बार ऑन कर लूँ। ओके भाई, सिंपल सी बात है, वी हैव नो एनी टेक्नीशियन, मैं ही टेक्नीशियन हूं, मैं ही टीचर हूं, मैं ही टाइपिस्ट हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो मैं ही टाइप करता हूं, रात में 11 11:30 बज जाए, कभी 12 बज जाए, मुझे ही टाइप करना, क्योंकि वी हैव नो एनी टाइपिस्ट। अभी तक फ्रॉम लास्ट 22 इयर्स मेरे पास जो भी मेरा स्टडी मटेरियल्स आप देखते हो ऑन टेलीग्राम, ऑन फेसबुक, एनीवेयर, जहां भी आप देखते हो, जो भी आप ऑनलाइन टेस्ट पेपर भी देखते हो, सब मैं खुद टाइप करता हूँ, इसलिए कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, जैसे अभी क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, 1 2 3 4 लिख दिया, वहां ए बी सी डी लिखना। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पास, क्योंकि अभी हम लोगों के पास वक्त थोड़ा कम है, 9:38 हो गया है। ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल वर्ब व्हिच एनक्लोज होल ऑफ द इनफ्लोरेसेंस, ए ब्यूटीफुल वर्ब, कैसा ब्यूटीफुल, सुंदर सा घेरा जो पूरे इन्फ्लोरेसेंस को कवर करता हो, एनक्लोज मींस कवर करना, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है वो किसको कवर करेगा, वो कौन सा होगा, उसे क्या बोलेंगे, फास्ट, इसका आंसर क्या होगा,
टेट का बोला डी, डी का मतलब है इन वैल्यूअर जो जीनियस था वो धड़ाम से गिरा, देखिए गिरा ना, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने के बाद जो आया मेमोरी बोस क्वेश्चन क्वेश्चन देखा नहीं और क्वेश्चन करने के बाद धड़ाम, बिल्कुल एग्जैक्टली, व्हिच इज नॉट द डी, माशा नॉट डी, सिद्रा नॉट ब्रैक, सिद्वम नॉट डी, सज्जन नॉट डी, the beautiful bulb which enclose whole of the inflorescence, whole of the inflorescence is covered by beautiful bulb which is called as spathe, which is called as spathe. अब आप ये भी बोल सकते थे सर ये spathe तो bract का modification है, लेकिन यहाँ तो spathe exactly दे दिया, अगर वहाँ पे spathe नहीं होता तब आप bract कर सकते, और involucre कोई beautiful bulb थोड़ी है, involucre तो just कहना चाहिए कि जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है फ्लोरेट है उसके बाहर एक घेरा बनाता है विच इज ए ग्रीन इन कलर विच इज कॉल्ड एज इनवोल्यूकर, वो एक अलग चीज है, यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस को जो कवर्ड है प्रोटेक्ट करता है ब्यूटीफुल बल्ब विच इज कॉल्ड एज स्पेथ, दैट्स हिज आंसर इज थ्री, थर्ड सिद्रा परवीन ने आंसर सही दिया थर्ड वन, पहले उसने कैंसिल किया कोई आंसर उसका, सिद्रा परवीन ने बोला थर्ड, इसका मतलब है सोचिए कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, पहले जीनियस और फिर धड़ाम, तब बच्चा इसका पर्पज ये है कि आप केयरलेस हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करें, वेट वॉच एंड गिव द आंसर, तो वेट मतलब क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इसलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप में से जो भी अभी ऑनलाइन है उनमें से 90% बच्चे अभी घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर वो लोग करते हैं तो यहाँ जीनियस है। दूसरी चीज कि मैं यहाँ ऑनलाइन हूँ इससे मुझे नहीं पता कि आप लोग कॉपी खोले हैं, किताब खोले हैं, गूगल पर सर्च कर रहे हैं, कहाँ सर्च कर रहे हैं, तो मैंने इससे एक और वर्ड आपको पहले ही बोला था और आने वाले टाइम में एक वीडियो में जल्दी इसको अपलोड करने वाला हूँ, ठीक, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट फॉर द सक्सेस, अगर आपको अपने कॉम्पिटिशन में सक्सेस गेन करनी है तो आपको क्या रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट मीन्स नो एनी चीटिंग। दूसरी लास्ट और नेक्स्ट बात, ये एक बात याद रखेंगे, आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, जिन्होंने किसी ने नोट्स नहीं बनाए, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आप सॉरी तो आप एग्जाम में रिवाइज कैसे करोगे, आप पढ़ोगे कैसे, रीडिंग कैसे करोगे, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट, मेरी वीडियोज भी अवेलेबल है और इवन मैंने अपनी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की हुई है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेक योर नोट्स, अपने नोट्स जरूर बनाने, और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो कल क्लास है 6 PM ऑन द सेम चैनल, जो क्लास है उसमें तो बात करेंगे फ्लावर टर्मिनोलॉजी की, लेकिन 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 आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके नोट्स हैं वो मुझे बीच बीच में कुछ फोटोग्राफ खींच करके व्हाट्सएप शेयर करेंगे कि सर ये देखिए मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए, इन्फ्लोरेसेंस का, फ्रूट का, रूट का, जो भी आपने टॉपिक पढ़े, सभी स्टूडेंट, और जिन्होंने कल तक शेयर, आज कल तक शेयर नहीं किया, then I will talk to your parents also and I will talk to you also, आपसे भी बात करूंगा और आपके parents से भी बात करूंगा, I have numbers, आपके मेरे पास phone numbers हैं, तो please make your notes, जो लोग नहीं भी number हैं, जो लोग online हैं, तो आप सबसे important point ये है कि success gain करने के लिए revision करना होगा, revision करने के लिए आपके notes होने चाहिए, तो notes बनाइए, ठीक है, notes के important को समझिए, और question number next, question number 11, ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस इज एडिबल इन द ब्रेस्का ऑलरेशिया, ब्रेस्का ऑलरेशिया में ऐसा कौन सा इन्फ्लोरेसेंस जो एडिबल होता है, खाते हो उसे, मैंने कई बार आप लोगों से पूछा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका इन्फ्लोरेसेंस खाते हो, जिसका इन्फ्लोरेसेंस खाते हैं वो यहाँ पे है, उसकी वेराइटीज कौन सी है, 11 का ए, एग्जैक्टली 11 का ए, दैट इज अ वेराइटी बोट्राइटिस, इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर, इसको बोलते हैं कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर में गोभी में क्या खाते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, वेराइटी कैपिटाटा, ये है कैबेज, जिसमें खाते हैं लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड और एंटायर रोस्टेड लीफ, यहाँ पे जो खाते हैं वो खाते हैं बालकेश मौर्य, महेश्वर गोपिल ने सही आंसर दिया इसका, अंशु बेटा आज लग रहा ब्रेकफास्ट करके नहीं बैठे हैं इसलिए दिमाग नहीं चल रहा, तो मैंने एक चीज और भी बोली थी आप लोगों से, डेली ब्रेकफास्ट करना ना भूले, एवरीडे थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट, थोड़े से नट्स, थोड़े से रेजिन्स और कुछ चना बना चबा लेना चाहिए, चना घोड़े चबाते हैं तो आप भी चबाइए, क्योंकि घोड़ा के अंदर क्या होती है एनर्जी, बोलते हैं ना हॉर्स पावर है उसके अंदर, तो आपके अंदर भी अगर चने खाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर एनर्जेटिक, आप अच्छा फील करोगे। तो बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस में एडिबल ब्रेस्का ऑलरेशिया, इसको नॉर्मली हम लोग गोभी बोल देते हैं, लेकिन गोभी कौन सी वाली, फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी, तो
ये जो गोंगलीडेस है इसको लोग नॉर्थ होल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग नॉर्थ होल बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गांठ गोभी। गांठ गोभी सज्जन की तरह होता है, जस्ट हैव द सॉइल सरफेस एंड दिस इज अ वैरायटी जेमिनीफेरा। जेमिनीफेरा ये बेसिकली ब्रुसेल्स होती है, ये ब्रुसेल्स होती है जो हमारे स्पेसिफिकली दूसरे फैमिली की है, लेकिन यहाँ उसका नाम मत कह सकते, एक तरह से भाई बहन है गोभी का, ब्रेस्का ऑलरेशिया का भाई बहन है। तो ब्रेस्का ऑलरेशिया वैरायटी जेमिनीफेरा दैट इज ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स स्प्राउट बोलते हैं इनको। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कोलोरोपा, कोलोरोपा दैट इज ए वैरायटीज, यहाँ पे वही कोलोरोपा का भी मतलब है कॉलीफ्लावर। ओके सो ब्रेस्का ऑलरेशिया बोट्रायरिस कोलोरोपा दैट इज ए कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पार्किंसोनिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, पार्किंसोनिया किसका एग्जांपल है ये फटाफट आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आपको याद होगा तभी आंसर आप दे पाओगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी है। तो पार्किंसोनिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ विंग फ्रूट, विंग फ्रूट का एग्जांपल है सिट्रस, तो ये हो नहीं सकता। ब्लू कलर का एग्जांपल है पंछी और तोकलोबा, ये हो नहीं सकता। ठीक क्लेटर का एग्जांपल है रसस और एस्परेगस, ये हो नहीं सकता। तो बचा क्या फिलोड, फिलोड का एग्जांपल है पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन बबूल जिसको बोलते हैं एकेशिया निलोटिका। थोड़ी सी स्पीड कभी कभी ज्यादा हो जाती है वो इसलिए कि आप उनके एनर्जेटिक लेवल को देखते हुए मुझे भी लगता है कि मुझे भी एनर्जेटिक होना चाहिए, मैं यंग हूँ ओल्ड नहीं, इसलिए हम बोलते ना आई एम यंग ओल्ड मैन यू आर ओल्ड यंग, क्योंकि आप लोगों में से आधे से ज्यादा है त्रिलोक जैसे लोग वो सो रहे है ना, साहिल जैसे लोग वो सो रहे, ये सब अच्छे स्टूडेंट हैं, ये सब सो रहे हैं, इसका मतलब है कि यार दीज आर लेजी है ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ आई एम ओल्ड यंग मैन हूँ लेकिन ओल्ड हूँ। तो आइए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना था, पार्किंसोनिया इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोड, इसका दूसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन बबूल जिसको बोलते हैं एकेशिया निलोटिका। बालकेश सही कह रहा है फिलोड बोलते हैं, सिद्रा परवीन इज गुड, अंशु इज गुड, शिवम इज गुड, गोविंद सोनी ने फर्स्ट टाइम आंसर दिया क्वेश्चन नंबर 12 पर। डी क्वेश्चन नंबर 13 द टर्म टेक्सिस रिफर्स टू, मैंने तीन टर्म्स को आपको लीफ में एक्सप्लेन किया था, वर्नेशन वर्नेशन वेनेशन फिलोटेक्सी एंड टेक्सिस। तो यहां बात करें अगर वर्नेशन की तो वर्नेशन का मतलब था अरेंजमेंट ऑफ द लीफ इन बड कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर्स, और अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल लीफ दैट इज कॉल्ड एज टेक्सिस, सो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन बड दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन नंबर 13 का 4, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम दैट इज कॉल्ड वर्ड यूज करेंगे यहां पे अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम दैट इज कॉल्ड कोलाइन, यहां पे वर्ड यूज करते हैं कोलाइन। अगर ये बेसिकली स्टेम के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट देखें जिसको हम लोग यहां पे इंसर्जन पॉइंट इन कैची ओरिजिन की बेसिस पे यहां पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कोलाइन, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे इसको बोलते हैं फिलोटैक्सी दैट इज अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और नोड दैट इज कॉल्ड एज फिलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑन थैलमस, ये तो बेसिकली जो फ्लावर होता है उस फ्लावर पे जो चार वर्ड होते हैं उन चारों वर्ड का थैलमस पे अरेंजमेंट, उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल दैट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकल, पेडंकल का मतलब है इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। इसका आंसर 13 का आंसर दिया डी, बालकेश मौर्य, अंशु सिंह, गुपिल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, और वो लोग जो एनसीईआरटी कर रहे हैं उनका आंसर जरूर आना चाहिए, इसके बाद जितने क्वेश्चन है उनका आंसर जरूर आना चाहिए, अदरवाइज वो खुद अपने आप में फील करेंगे कि सर से बोलते हैं हम लोग लेकिन हम खुद ही एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, तो इसका आंसर जरूर आना चाहिए बिकॉज इट इज, ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो एनसीईआरटी की लाइन लिए। ओके तो फटाफट इसका आंसर दे दिए क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो 14, 15, 16 ऑल दिन का डायरेक्टली मैंने उठाया है एनसीईआरटी की लाइन। फर्स्ट पहला क्वेश्चन का आंसर आया 14 का डी, जिसने दिया है उसका नाम है गोपिल। तो यहाँ बात करते हैं लिटिल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड, याद रखिएगा लिटिल ब्रांचेस विद शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड बियरिंग अ रोसेट ऑफ लीफ, रोसेट ऑफ लीफ का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लीफ, मतलब यहाँ पे जो इंटरनोड है वो कैसा हो गया शॉर्ट, दिस इज अ शॉर्ट इंटरनोड एंड द ग्रुप ऑफ लीफ इज प्रेजेंट लाइक दिस, ये ग्रुप ऑफ लीफ प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर आपको याद होगा तो मैंने यहाँ भी इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर वहां आपको बना के बताया था स्टेम का मॉडिफिकेशन, तो क्या हो गया ग्रुप ऑफ लीफ आर प्रेजेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ रोसेट। तो यहाँ पे क्या है
कि जो रॉसेट ऑफ लीफ है, टफ्ट ऑफ रूट, टफ्ट ऑफ रूट का मतलब यहाँ पे ये इस तरीके से रूट के टफ्ट प्रेजेंट है, रूट्स आर अराइजेस फ्रॉम दिस पार्ट द लोअर पोर्शन है, दैट इज वाटर में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के प्लांट जिसका नाम है पिटियन आइकॉन। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है शॉर्ट इंटर्न नोड, दिस इज ए शॉर्ट इंटर्न नोड एंड ग्रुप ऑफ लीफ, रॉसेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट आर प्रेजेंट इन द पिस्टियन आइकॉर्निया नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाल के, इज एग्जैक्टली इसको बोलते हैं ऑफसेट, इसको बोलते हैं ऑफसेट, आंसर इज फोर्थ। तो पहले बोला डी बाल के, शिवम सिद्रा ने मैट्रिक्स को क्लीन कर दिया, डिलीट कर दिया। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हैं, मोहम्मद सलाह, शिवम, बालकेश, अंशु, सृजन और भी कई सारे जिनके मुझे नाम यहाँ पे शो नहीं हो पा रहे हैं, मैं पूरा ऊपर तक नहीं प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आपको अपने नोट की एक कॉपी का फोटो कॉपी क्लिक करके कैमरे के थ्रू मुझे सेंड करना है कल शाम से पहले, 6 बजे से पहले मेरे पास सबकी डिटेल्स आ जानी चाहिए। सर मेरे पास अपना खुद का नोट्स है, रूट का, स्टेम का, इन्फ्लोरेसेंस का, कोई भी एक-एक पेज सबके भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, और इसका किसने आंसर भी दे दिया है उसको बात करते हैं। द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल, द लेटरल ब्रांचेस व्हिच इज ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम व्हिच ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सेल, सेल के नीचे ग्रो करेगा एंड देन कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड, उसको क्या बोलेंगे, उस लीफी शूट जिससे लीफी शूट डेवलप करेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सकर्स। एग्जैक्टली, तो यहां बात करते हैं कि ये हमारा सॉइल सरफेस थी, इस सॉइल सरफेस पे लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट, तो ये हमारा अगर रूट है एडवेंटिशियस रूट है तो यहाँ पे इस तरीके से बेसल पोर्शन अराइज करता है और ये अंडरग्राउंड पोर्शन से क्या निकलेगा, मेन स्टेम निकलेगा एंड विच ग्रो हॉरिजॉन्टली, जब ये हॉरिजॉन्टली जस्ट बीनीथ द, बीनीथ मतलब नीचे सॉइल के नीचे जब ये ग्रो करता है एंड ऑब्लिकली कम्स आउट, तो ये ऐसे बाहर निकलेगा और इससे निकलेंगी रूट्स और यहाँ पे होंगी लीफ, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज शाकर्स। इसके एग्जाम्पल है बनाना, है ना, इसका एग्जाम्पल है बनाना। तो ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 एग्जैक्टली इसमें आंसर दिया सबसे पहले शिवम ने, गोपिल ने और बालकेश मोर्य ने, अंशु बहुत पीछे आ जाए, अंशु ने लगता है ब्रेकफास्ट नहीं किया, 6 रात में खाना नहीं खाया इसलिए ब्रेन नहीं शार्प, इसका आज काम नहीं कर रहा फिर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो मोनोकॉट के अंदर लीफ बेस एक्सपेंड इनटू शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, मोनोकॉट लीफ के अंदर जो लीफ बेस होता है बेसिकली वो शीट टाइप होता है और वो पूरे को मतलब कंप्लीट स्टेम को या पार्शियली उसको स्टेम को क्या करता है, कवर करता है। ये सही स्टेटमेंट है, ये कैसा स्टेटमेंट है, सही पूछा कैसा है, नॉट करेक्ट, गलत स्टेटमेंट पूछा। दूसरा स्टेटमेंट, इन सम ऑफ द लेग्युमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम स्वेलर, दिस इज नोन एज पल्पाइनस, ये भी कैसा है, गुड मॉर्निंग अरफलान बेटा आज फिर आपको देर हो गई है ना। ये सम लेग्युमिनस प्लांट जो लीफी बेस है मे बिकम स्वेलर एंड व्हिच इज कॉल्ड पल्पाइनस, पल्पाइनस वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि मैंने बोला कि यहां दो स्टेटमेंट है, मोनोकॉट के अंदर जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है, शीट लाइक होता है, पतला सा ऐसा कोई शीट लाइक होता है, ये पूरे स्टेम को या तो कंप्लीटली कवर करता है या पार्शली कवर करता है, इसको बोलते हैं लीफ बेस बिकम शीट लाइक। लेकिन कुछ पल्वाइनस होते हैं जिनको यहाँ पे लीफ बेस कैसा हो जाता है, ऐसे फूल जाता है, इसको बोलते हैं पल्वाइनस, ऐसा कुछ लीफ बेस लेग्युमिनस प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं पल्वाइनस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट जो बचे हैं दो, वो है लीफ ब्लेड हेल्प टू होल्ड द, लीफ ब्लेड हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट एंड लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिच्यूल अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड, ये सोचिए और समझिए क्या आंसर इस ऑप्शन सही है या नहीं। और दूसरा लास्ट ऑप्शन है द लीफ लैमिना इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच विद वेन एंड विनलेट, ये भी आपका कैसा है, सही। तो गलत क्या है, ये ओनली थ्री, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है ओनली थ्री, 16 का नॉट सी, ओनली थ्री, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मेरे लाल, शिवम, बालकेश, बालकेश ने डिलीट किया, गोपाल सोनी ने भी डिलीट किया, इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना। यहां देखिए ये क्वेश्चन है कि इन सम ऑफ द लेग्युमिनस प्लांट द लीफ बेस मे बिकम्स स्वेलन एंड व्हिच इज कॉल्ड एज पल्पाइनस, बात सही है
कि कुछ लेग्युमिनस प्लांट ऐसे तो नॉन लेग्युमिनस प्लांट के अंदर भी पलमाइनस होते हैं, लेकिन यहाँ बात कर रहा है इन टर्म्स ऑफ लेग्युमिनस प्लांट की, कि कुछ लेग्युमिनस प्लांट के अंदर भी पलमाइनस होते हैं, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ बात कर रहा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट की, क्वेश्चन पूछा क्या है नॉट करेक्ट। फिर आज मेरी बात समझिए, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला लास्ट टर्म पे मैंने बोला था कि अगर वहां पे नॉट करेक्ट लगा हो, करेक्ट लगा हो तो क्या करना है, स्पीड ब्रेकर की तरह ब्रेक लगाना है, रुकना है, सोचना है, तब आंसर दे। आप लोग क्या करते हैं, स्पीड पे गाड़ी भगाए जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। जीनियस वाला भी ड्राम हुआ ना, दोनों जीनियस जो आज के जीनियस थे सिद्धार्थ एंड गोपाल, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आया सिंपल सा क्या हो गए, ड्राम गिर गए ड्राम से। क्यों? क्योंकि वो तो स्पीड में चले जा रहे, क्वेश्चन सुन ही नहीं रहे, क्वेश्चन सोच ही नहीं रहे। तो आप भी वही गलती कर रहे हो, यहाँ पे क्या है नॉट करेक्ट, रुको सोचो, मैंने इसे क्या किया टिक किया, इसका मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, लीफ ब्लेड की जगह होना चाहिए था पीटियोल, पीटियोल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड, होल्ड ब्लेड मतलब लीफ की पत्ती का जो मेजर पोर्शन है वो, टू लाइट एंड लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पीटियोल अलाउ टू द लीफ ब्लेड फ्लटर इन द विंड, यहां लिखा है आगे, फिर भी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो इसका आंसर हो गया ओनली वन, दैट इज दिस फर्स्ट आंसर, क्वेश्चन क्लियर नहीं था बच्चा। क्वेश्चन क्लियर करने के लिए तो हम यहां खड़े हैं, और क्वेश्चन क्लियर करने के लिए तो हमने एक सार्थक क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। और अगर आप इस तरीके से रेस्पॉन्स करोगे एवरी क्लास में, क्वेश्चन क्लियर नहीं था, पढ़ा नहीं था, स्पीड में चले जाए तो कहां से होगा। ओके, मैंने फिर दोबारा ध्यान से सुनिए, जहां पे पहली चीज, इसको मैं दोबारा बैक करता हूं, पहली चीज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन एक लाइन का है क्या, जहां भी क्वेश्चन की लाइंस बढ़ जाए इसका मतलब है कि आपको रुकना है, सोचना है, फिर आंसर देना। नॉट करेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, वहां भी रुक करके सोच करके आंसर देना है। इसके पीछे की अगर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेंथ नंबर क्वेश्चन देखो, और 12 नंबर क्वेश्चन देखो, और 13 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें आप एक लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन है, तो रटा रटाया होना चाहिए, तो टिप्स पे होना चाहिए। द टिक्स का मतलब ये अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बर्ड कंडीशन, अगर वो आता वर्नेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीफ इन बर्ड कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर, दैट इज कॉल्ड वर्नेशन। ओके, तो क्वेश्चन को भापना है, जज करना है, देन यू विल गिव द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहां बात कर रहे हैं 17 की, मैच द इनकरेक्ट वन, फिर मैंने बोला मैच द इनकरेक्ट वन, इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए आपको फिर रुकना है, सोचना है और आंसर देना है। तो बालकेज के बाद, इसके बाद फटाफट आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 16 का, यूनिपेंडेंट कंपाउंड लीफ का एग्जांपल रोज है कि नहीं, बाइपिनेटली का कंपाउंड मोरिंगा है कि नहीं, ट्राइपिनेटली का माइमोसा है कि नहीं, मोनोफोलियर पामेटली कंपाउंड लीफ सेट्रा से कि नहीं। फास्ट 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 आप लोगों को आंसर देना है, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। अगर आप जल्दी से जल्दी आंसर देते हो, ये तो सब याद करने वाले क्वेश्चन है बच्चा, इनकरेक्ट है इसलिए सोच रहे, एग्जाम्पल याद होगा तभी आंसर दे सकते हैं। देखे कितने लोग हैं धुरंधर जो इसका आंसर दे पाते हैं। फास्ट 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 फास्ट, इस क्वेश्चन सीरीज का पर्पस तभी सॉल्व होगा जब आप मेरे क्वेश्चन के आंसर में एवरी क्लास के अंदर एक ना एक बच्चे को जीनियस बनना है, और जिस दिन सारे बच्चे जीनियस बन जाएंगे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ऑल दीज स्टूडेंट्स आर गुड, सब बच्चे अच्छे होते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका होता है जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छे मतलब जो रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और गिव द सेलेक्शन कब होता है जब उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ओके, सो दिखाने के लिए किसी को कुछ नहीं करना कि मैं फादर को दिखाने के लिए पढ़ रहा हूं, नथिंग, मुझे यहां क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। 17 का आंसर दिया है अंशु ने, गोपाल सोनी ने आंसर दिया है 17 का, बी एंड सी बोथ आर इनकरेक्ट, बी एंड सी का मतलब हो गया बी एंड सी, सुन लो, पहला आंसर है यूनिपेंडेंट कंपाउंड लीफ रोजा के अंदर होता है, सही स्टेटमेंट है। बाय कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है मोरिंगा, मोरिंगा डल्सिस का मतलब है सहजन, ये गलत है क्योंकि इस मोरिंगा डल्सिस के अंदर ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ होती है, ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ होती है। अगर नेक्स्ट वन आंसर था ट्राइपिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है माइमोसा, माइमोसा को हम लोग बोलते हैं क्या, माइमोसा को बोलते हैं टच मी नॉट, टच मी नॉट, एग्जैक्टली तो आंसर यहाँ पे दोनों ही सही नहीं है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर, मतलब आपके ऑप्शन क्या पड़े, अगर बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो गए, यहाँ पे दो ऑप्शन सही हो गए, एग्जैक्टली गोपाल आपका आंसर एकदम सही है, ये यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है, आंसर है 2 and 3 बोथ। ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे ऐसा हुआ तो आपको आंसर लिखना चाहिए था,
टू एंड थ्री बोथ, बाकी जिनके आंसर सेकंड 17th का टू है वो भी सही है, सिद्रा परवीन ने बी दिया वो भी सही, और मोनोफोलिया पामेटली कंपाउंडली का आंसर है सिट्रस इज आल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस हुआ कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 के दो दो आंसर हो गए, पहला आंसर हो गया बी और दूसरा हो गया सी, बिकॉज बोथ आर आंसर आर इनकरेक्ट। अगर इनको एक्सचेंज कर दे, मोरिंगा को कर दे यहाँ और इसको कर दे ऊपर ये, तो भी आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फटाफट इसका आंसर बताइए। अल्टरनेट फिलोटैक्सी, मस्टर्ड में अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, चाइना रोज में वर्ड फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी वर्ड ट्रैपियल, स्टोनिया के अंदर लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। फास्ट चौथा ऑप्शन तो नन ऑफ अबव है, ये तीन मेन है, इनमें से आपको करेक्ट वन बताना है, फास्ट 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 करेक्ट वन का आंसर बोलना है, करेक्ट वन का आंसर आपको बोलना है इसमें, फटाफट आप बताएं। इसमें भी एक और चीज भी हो सकती है, यहाँ पे मोर देन वन भी हो सकते हैं, इसलिए केयरफुली लिसन, यहाँ पे इसलिए केयरफुली लिसन, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए तब आंसर दीजिए इसका। यस फर्स्ट यस मैशा कुशी ने आंसर दिया डी, मैशा ने आंसर दिया इसका डी, 18th का नहीं, हाँ 18th का आंसर दिया इन्होंने डी, एनीथिंग का नन ऑफ दीज। अल्टरनेट फिलोटैक्सी मस्टर्ड में होती है, अपोजिट फिलोटैक्सी चाइना रोज में नहीं होती, और वर्ल्ड टाइप ऑफ फिलोटैक्सी अल्स्टोनिया के अंदर होती है या नहीं ये आपको बताना है। करेक्ट की बात की तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी मस्टर्ड में होगी बच्चा, चाइना रोज में भी होती है, लेकिन चाइना रोज में तो अपोजिट लिखा, ये करेक्ट ही नहीं होगा। अगर यहाँ पे सिंगल क्वेश्चंस की बात करें तो वन टाइप ऑफ पिल्लो टैक्सी कंटिन्यूअसली, आप देखिएगा वन टाइप ऑफ पिल्लो टैक्सी का मतलब है मोर देन वन लीफ आर प्रेजेंट ऑन नोड, एग्जांपल अल्स्टोनिया नीरियम एसेट्रा एसेट्रा, है ना। तो यहाँ पे जो वन टाइप ऑफ पिल्लो टैक्सी है वो अल्स्टोनिया में, यस फास्ट 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 गुबिल सोनिका, एट का सी, सी का मतलब दिस वन, ये भी करेक्ट है बच्चा, ये भी करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें, वैसे मैं क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट में हो गया ए एन सी, मतलब वन एंड थर्ड एंड करेक्ट, लेकिन हम क्वेश्चन को अगर बदल दे, यहाँ पे बदल दे, यहाँ लिखते हैं इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज द आंसर। अगर यहाँ पे सिंगल ऑप्शन के आंसर हो, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना होगा, यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में आंसर हो जाएगा बी, मतलब सेकंड अपोजिट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी विच इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइना रोज, अस्लान ए और थर्ड दोनों ही सही है। ओके, गोपाल सोनी थर्ड मतलब सी एंड वन दोनों सही है, ध्यान से यहां देखिएगा। ओके, तो इसका मतलब यहाँ दो ऑप्शन है, तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में वन ऑप्शन वाले करेक्ट ऑप्शन को देखें तो यहाँ विच इज नॉट करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना रूल्स। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है द लीफ आर ऑफन मॉडिफाइड परफॉर्म अ फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस एंड दीस आर कन्वर्टेड इनटू, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, फटाफट बताइए। द लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ अदर देन फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसा कौन सा लीफ का फंक्शन है जो फोटोसिंथेसिस के अलावा यहां पे मॉडिफाइड है एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू, ठीक, तो इसमें कौन सा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा है, फटाफट बताइए। देखें इस क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो एक और आपको जीनियस बनने का मौका मिला, यहाँ पे बना देता हूँ स्टार, ये अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, और आपने जिसमें से भी इसका आंसर दिया वो जीनियस होगा, आज का लास्ट जीनियस है वो आज की क्लास का, क्योंकि दो ही क्वेश्चन बचे हमारे पास। फास्ट 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 10:03 हो गया है, हमारा समय थोड़ा सा और आगे यूटिलाइज होगा, 5 मिनट और चाहिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी इसमें रहने वाला सी। ओके, नेक्स्ट नंबर वन, फास्ट 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 जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले बोला 19 का सी, एनीबॉडी एनीबॉडी, यस 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 एनीबॉडी, अरसलान मोहम्मद सलाह, आज आप लोगों ने कोई आंसर नहीं दिया बच्चा, तो मुझे दोनों लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपने नोट्स बना लिए होंगे
और आप मुझे कल शाम तक, या अगर बन गया है तो अभी थोड़ी देर बाद मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके वो नोट्स सेंड करेंगे, उनकी कॉपी सेंड करेंगे। यस 19 का बी शिवम सिंह ने बोला नहीं, इसमें दो ही जीनियस हैं केवल, इसका मतलब आज के लास्ट जीनियस हैं गुबिल सोनी एंड बालकेश मौर्या। दीज आर संजय, संजय बेटा इसका आंसर बी नहीं होगा, उसका रीजन है कि लीफ टेंडल आर मॉडिफाइड इन क्लाइंबिंग इन अ ट्री, पता है ये सही स्टेटमेंट है। द लीव्स आर स्पाइन इनटू स्पाइन एंड डिफेंस एज अ कैक्टाई, कैक्टाई का मतलब पंछिया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि वहां लीफ स्पाइन में मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन ये था कि लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड, लीफ अक्सर मॉडिफाइड होती है टू परफॉर्म द फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा ये मॉडिफाइड होगी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, बट विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये तो करेक्ट है ना, द फ्लैशी रूट नॉट रूट, यहाँ होना चाहिए था फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक स्टोर्ड फूड मेटल, नॉट रूट, यहाँ रूट मॉडिफाइड नहीं होती फूड मेटल को इकट्ठा करने के लिए। अगर यहाँ रूट मॉडिफाइड होती तो हम तो प्याज के ऊपर जो खाते हो तो फेंक देते और रूट खा लेते, तो रूट थोड़ी खाते हैं, खाते क्या है बल्ब जिसको होता है फ्लैशी लीव्स। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज राइट आंसर। The some of the plant like Australian babool, Australian acacia, where the phyllode is present. अभी आपने देखा Parkinsonia, which is where the phyllode is present. So this is the right answer. यहाँ तक कोई doubt हो, कुछ पूछना हो, so you can ask. Anshu, see exactly. Next बात करते हैं, last two questions हैं. Leaves of certain insectivorous plants, such as a pitcher plant, Venus flytrap, are also modified. Yes, first. क्वेश्चन समझ लीजिए, वीनस फ्लाई ट्रैप ये भी एक टाइप का पिचर प्लांट है, और इस पिचर प्लांट के अंदर ये इंसेक्टिवरस पिचर प्लांट है, द लीफ ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवरस पिचर प्लांट लाइक एज ए पिचर प्लांट दैट इज ए वीनस फ्लाई ट्रैप। इस वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर मॉडिफिकेशन होगा किसका, जो पिचर में मॉडिफाई करेगा, रूट करेगा, स्टेम करेगा, लीड करेगा, लीफ करेगा, कौन करेगा? फास्ट अर्थ प्लांट खान ने बोला डी, मैं अभी आंसर लीक नहीं करूंगा। सिद्रा ने बोला डी, महेश ने बोला सी, अंश ने बोला सी, वेयर इज गोपेल, वेयर इज मोहम्मद सलाह, वेयर इज शिवम, वेयर इज सृजन, वेयर इज महेशा, वेयर इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, उन बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ही आंसर देते हैं, ऐसा क्यों है बच्चा, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता, या प्रैक्टिस नहीं किए हैं, रिवाइज नहीं किए। इसका आंसर है सी, दैट इज ए पिचर आर मॉडिफाइड ऑलवेज फ्रॉम लीफ लैमिना, लीफ मॉडिफाई करती है, लिड जो है बेसिकली वो तो ढक्कन बनाता है। ये जो पिचर प्लांट है, पिचर प्लांट के अंदर अगर हम लोग बात करें इस नेपेंथिस की, इसकी तो ये तो लिड ये बनाएगा, इसको बनाएगा लिड, लेकिन ये जो पिचर है पूरा वो लीफ मॉडिफाई करेगी। ओके, द लास्ट वन क्वेश्चन, दोज इनफ्लोरेसेंस इन विच द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस टर्मिनेट इनटू ए सिंगल फीमेल फ्लावर इन द सिंगल मेल फ्लावर आर सराउंडेड बाय इन्वोल्यूकर। एक ऐसा इनफ्लोरेसेंस का नाम बताना है जिनके अंदर इनफ्लोरेसेंस एक्सिस फीमेल फ्लावर में, सिंगल फीमेल फ्लावर में टर्न कर जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, और कई सारे मेल फ्लावर सराउंड होंगे ब्रेक लाइक मॉडिफिकेशन से, इन्वोल्यूकर से, उस तरीके के इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, उस तरीके के इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर फटाफट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, और फिर मुझे केवल जस्ट 2 मिनट्स और बात करनी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ट्यूसडे एट 6 PM विद योर बायोक्लिनिक ऑनलाइन क्लास। ओके, सो मेरा रिक्वेस्ट ये कि आप अपने फ्रेंड्स से, अपने ग्रुप्स में, अपने कैंसिल, जो बच्चे बायो पढ़ते हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं नीट की, टीजीटी, पीजीटी एसेट्रा एसेट्रा, जो बायो पढ़ते हैं, बायो का मतलब है जो स्पेशली नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाउंडेशन बैचेस में है, टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है वो अपने ग्रुप में भेजें टू गेट मोर एंड मोर एक्स्ट्रा नॉलेज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं लेकिन अलग तो हूँ कुछ डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने सार्थक क्वेश्चन सीरीज को जो चलाया उसका रीजन ये है कि आपके जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे, आपको पता रहे कि मैंने पिछले जो रिवीजन किए हैं लेक्चर्स को, मैंने पिछला पढ़ा है वो अच्छा चल रहा है कि नहीं। ओके, यस बालकेश मौर्य ने बोला बीबीक्यू, ये क्या मतलब है बच्चा बीबीक्यू का? संजय ने बोला 21 का, गोपिल ने बोला बी, एग्जैक्टली संजय, 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 सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी, दैट इज साइथियम। अगर बालकेश मौर्य का भी पर्पस बीबीक्यू का मतलब ये था, सही कह रहा है, बीबीक्यू का मतलब सर बी आंसर होगा। तो इसके अंदर याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था कि ये वो इन्फ्लोरेसेंस है जिसको बोलते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, यहाँ पे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कुछ ऐसा आपको मिलता है, ये आपका फीमेल फ्लावर, और ये फीमेल फ्लावर क्या कर रहा है,
सिंगल इनफ्लोरेसेंस एक्स जो कि यहां पे टर्मिनेट कर रही है सिंगल फीमेल फ्लावर में, और ये है इनवॉल्यूकर, और यहां प्रेजेंट होते हैं क्या मेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर है ना, और ये है आपके इनवॉल्यूकर। तो ये है आप क्वेश्चन नंबर 21। तो आज के लिए इतना काफी है। शिवम सिंह इसका आंसर बी है एग्जैक्टली। अब हम लोग बात करते हैं ये तो क्वेश्चन नंबर 12 तक की, मतलब क्वेश्चन नंबर 21 की कहानी हो गई, और आज हम लोगों की ये क्वेश्चन सेशन का अल्टीमेटली डिस्कशन हो गया। यहाँ मैंने हिंट दी थी है कॉरियम इनफ्लोरेसेंस के रेफरेंस में, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, जो हमने वहां पे बोला है ब्रैसिका ओलरेशिया बोट्रायरिस को बोलते हैं कॉलीफ्लावर, और ब्रैसिका ओलरेशिया जेमिफेरा को बोलते हैं ब्रुसेल्स। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के रेफरेंस में या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रेफरेंस में। तो ये तो आज की कहानी बात कंप्लीट हुई। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर में जिन बच्चों के पास नहीं हो वो बच्चे भी इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे अपने मैसेज अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और उनको मैं अगले क्लास में इंक्लूड करूंगा आपके नाम के साथ। ओके, प्लस आपको एक और काम करना है, मुझे मैंने अभी पहले बोला कि अगर आपने नोट्स बनाया है तो उस नोट की फोटोकॉपी खींच के, मतलब फोटोकॉपी इन द सेंस कि आप उसका कैमरे से फोटो खींचेंगे और उसको मुझे सेंड करेंगे, जिससे मुझे पता लगे एग्जैक्टली आपने वो नोट्स बनाया है कि नहीं। दूसरे का नहीं भेजना है बच्चा, क्योंकि मुझे आपको सेटिस्फाई होना है, मुझे नहीं, मेरा सेटिस्फेक्शन का कोई रोल नहीं है। अगर आपने किसी दूसरे का भी नोट्स का फोटो खींचे भेजा तो मेरे तो दिमाग में ये रहेगा आपने बना लिया। तो आप ऑनेस्ट हो तो आप सही काम करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि आगे आने वाले टाइम में मीन्स आज टुडे आई विल इन्फॉर्म एंड आई विल गिव द मैसेज ऑल्सो फॉर ऑनलाइन टेस्ट। जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, जो रूट स्टैम्प लीव का होगा, उसकी मैसेज डेट्स आपको क्लियर कट मैं अपने आगे आने वाली क्लास में कल भी इन्फॉर्म करूंगा, और आज भी मैं आपको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे एट 6 PM मंगलवार। ओके, लेकिन लास्ट में फिर मैं वही बोलूंगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन प्रेस करेंगे बेल। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।